सब कुछ रूही तेरे ही हाथ में है। ना बचकर कहीं भाग सकते हैं ना मुझे कहीं भगा सकते हैं। सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है मुझे अपनी बेगम साहिबा बना दें। पर ना फिर मेरी मक्कारियों का तो आपको पता ही है, उसकी तो कोई हद ही नहीं। वो तो बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। बेचारी मेरी माँ, जिद्दी, बहादुर, हाकिम मिजाज, अगर मैं उसको यहां से जाने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, इरफान को जहन्नम पहुंचा सकती हूँ, मूसा को फांसी के फंदे तक, इसके बाद भी अगर आप लोग रूही को ललकार रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफी है या बदनसीबी? जो भी है, रूही तो रूही है। मुराद, मुराद क्या बात है? मुराद आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ भी है आप मुझे बता सकते हैं, मैं बीवी हूँ आपकी। निशा मुझे माफ कर, मेरे सीने में एक ऐसा रास्ता फूल है जो मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। मुराद आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझे नहीं बता सकते? आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमसे नजरें मिलाने के लायक ही नहीं रहा अनीशा, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं तो जानता भी नहीं हूं सब कैसे हुआ, मुझे यकीन भी नहीं आता कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और औरत की तरफ मायल भी हो सकता हूं, लेकिन गलती हो गई यार। गलती? ऐसी कौन सी गलती है मुराद, क्यों नहीं बता रहे आप मुझे? जिन दिनों तुम निमल की तरफ थी घर पे अकेला था, मुझे कुछ याद नहीं सब कैसे हुआ। तो सुबह जब मैं बिस्तर पे उठा और उस लड़की की तरफ देखा तो उसकी बातों ने, उसकी हालत ने मुझे यकीन दिला दिया कि कुछ तो हुआ है हम दोनों के दरमियान। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक गलती। मुराद कौन थी वो लड़की, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूं मुराद, कौन थी वो? रूही। मुराद